आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैलारदेपल्ली डिवीजन में एक प्रेस मीट मुनक्किद किया गया, जिसमें स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद शाबुद्दीन ने मीडिया के जरिए हुकूमत तेलंगाना पर अपनी नाराज़गी दिखाई, जो सेक्रेटरीट में दो मस्जिदों को शहीद करने के साथ एक मंदिर को भी तोड़ा गया, उसको फिर से उसी जगह पर तामीर करने के साथ जो लोग इस काम को अंजाम दिए हैं इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने का डिमांड किया। साथ में राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक मस्जिद को शहीद करने का जो इरादा है हुकूमत का, उसको फ़ौरन रोक लगाने के लिए कहा। इसमें शामिल मोहम्मद कादर, मोहम्मद असद व दिगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। कि जिम्मेदारी वही ले रहे, गलती उनसे ही हुई, वो मान रहे हैं ये चीज़ को। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया हुआ स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, जब चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ है तो हम चाहते हैं कि इस मसले पर इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने ये बात मानी है, इसकी इस बात की वजाहत की है, तो इसका ये मतलब है कि वो भी इसमें शामिल है, और जो जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है, कांग्रेस पार्टी का ये मुतालबा है। और तीसरी बात, हमने ये तय किया है और हमने इस बात को हमारे सदर जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने ये अपील की है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर एक स्पेशल कमेटी बनाएंगी, कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, जिसमें लीगल एडवाइजर्स मौजूद होंगे और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग तय करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी का एक और एक डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि हमको वहाँ पर जो आपने ये कहा कि हम वहाँ पर एक नई मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि वहीं मस्जिद बनेंगे, अगर जो भी मस्जिद आप बनाने वाले उसका मास्टर प्लान हमको चाहिए, कंस्ट्रक्टेड मास्टर प्लान लेआउट हमको चाहिए, ये हमारा डिमांड है। फिर उसके बाद